सब्सक्राइब कीजिए पीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सही सुना दोस्तों आपने, आप आपके मोबाइल के जो एप्स है उनको हाइड कर सकते हो विदाउट आपके फोन को रूट किए हुए। ये कैसे करना होगा उसके लिए सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मैं आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि एक्चुअली आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा दोस्तों। तो आपके फोन में अक्सर क्या होता है दोस्तों, आपके फोन में कोई एप्लीकेशन होता है और आपको लगता है कि यार ये एप्लीकेशन को हाइड करके रखना चाहिए। सपोज मेरे पास ये फोन पे है, तो मेरे फोन में फोन पे एप्लीकेशन रहा तो ये एक्चुअली एक पैसे ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन है। तो कोई भी बंदा मुझसे बोलता है कि भाई मेरा रिचार्ज कर दे, भाई मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे, तो मैं ऐप को हाइड कर दूंगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई इसके पास तो फोन पे है ही नहीं, तो ये कहाँ से पैसे मुझे सेंड करेगा। तो ऐसे आपके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि कोई एप्लीकेशन को हम हाइड करके रखें तो आपको क्या करना होगा, एक सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद FX लॉन्चर करके आपको इस लॉन्चर को आपके फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपको इस लॉन्चर को आपके फोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको होम की दबानी है। होम की दबाने के बाद आपको यहाँ पे FX लॉन्चर चूज कर लेना है, यानी आपका फोन FX लॉन्चर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपली आपकी स्क्रीन पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे आप स्क्रीन पे एक हाथ से आप टैप करके रखोगे तो आपको यहाँ पे एक मेनू ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। वहां पे आपको FX एक्शन करके दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद FX सेटिंग आपको दिख रही होगी, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके स्क्रीन पे एक आइकन यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा FX सेटिंग का, उस पर सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह सा कुछ मेनू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन होता मेनू देख रहेंगे तो यहाँ पे ड्रॉयर सेटिंग करके आपको दिख रहा है, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉवर स्टाइल, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए। वहाँ पे वर्टिकल कंटिन्यूअस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शो विड स्टैप, तो आप इस टिक को हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद आपको आना है ऊपर। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिडन ऐप्स, इसको आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको इतने सारे सभी आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन है वो सभी एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे। जैसे आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस एप्लीकेशन पे टिक कर देना है और यहाँ पे कर देना है इसको सेव। जैसे आप इसको सेव करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में से हाइड हो जाएगा। तो आपको ऐसे कुछ भी एप्लीकेशंस को हाइड करना होगा तो आप सिंपली वन वे में इन एप्लीकेशन को सिंपल तरीके से हाइड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको Flipkart का एप्लीकेशन कहीं पे दिखाई नहीं देगा दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन लग रहा होगा कि आपको अनसिक्योर लग रहा होगा कि ये दिखने नहीं चाहिए मोबाइल में, तो इस सिंपल वे से आप सभी एप्लीकेशंस को आपके मोबाइल से हाइड कर सकते हो। उनके आइकन्स को आप हाइड कर सकते हो और आपको उनको अनहाइड करना होगा तो आपको सिंपली उसी टाइप में जाना होगा जहाँ पे मैंने आपको बोला था। उसमें जाने के बाद आपको उन जो एप्लीकेशन है उनको अनहाइड अनटिक कर देना होगा और यहाँ से सेव कर देना होगा। जैसे आप सेव करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको Flipkart दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। आपको फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली सिंपल वे से आप अपने फ़ोन में से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिएगा आपके फ़ोन में, और आपको हाइड ऐप करनी होगी तो इस एप्लीकेशन की मदद लीजिए। आपको इस एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।